तो स्वागत है आपका जीएसवी मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं जीएसवी सर। दोस्तों आज हम लोग नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों उदाहरण का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ध्यान से समझिएगा। ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, ये उदाहरण का पहला क्वेश्चन है। उदाहरण का ये पहला क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है। बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है। सबसे पहले जो है ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो दोनों का 6 12 का एलसीएम होगा तो 12 ना हो जाएगा, ठीक ना? और जो एलसीएम लेते हैं वही आपका टोटल काम होता है। ठीक है, तो हमने कहा इसका एफिशिएंसी निकालिए। 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, एफिशिएंसी 2 हो गया, और 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करेगा। भैया दोनों अगर मिल जाए तो कार्य को कितना दिन में करेगा? तो टोटल हमारा कार्य कितना था? 12। ठीक है, टोटल कार्य कितना था? 12। अब टोटल 12 काम था और दोनों को कार्य मिलकर काम कितना दिन में करेगा, तो दोनों को एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा। तो भैया 3 से भाग दे दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 4 दिन। देखिएगा जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने बोला था कि W बराबर होता है E गुणे T, इसलिए T बराबर हो जाएगा W बटे में E। तो W मतलब टोटल कार्य, तो टोटल कार्य हमारा 12 था, हमने 12 लिखा, और इसके एफिशिएंसी से दोनों को एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो ये दोनों मिलकर कितना दिन में कार्य करेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल का। कह रहा है क्वेश्चन ए कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? भैया ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, तो भाई आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा वही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क हो गया 24, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2 और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क था 24 और आप जानते हैं कि बी का पूछा है, तो बी का अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकेगा, तो बी के एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए। तो बी का एफिशिएंसी निकालेंगे भाई मेरे, बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो बी का एफिशिएंसी हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों का 3 है जिसमें ए का 2 है, तो बी का कितना हो जाएगा 1। तो टोटल वर्क था 24 और बी का निकालना है टाइम, तो बी का टाइम निकालना है, तो वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुणे टाइम, इसलिए टी बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी। तो भैया 24 टोटल वर्क था, एफिशिएंसी बी का कितना है 1, तो 1 से भाग दे देंगे तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। जिसका पूछेगा उसका एफिशिएंसी से भाग दीजिएगा, उसका टाइम निकल जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ध्यान से देखिएगा, ए 10 दिन बी 15 दिन। ए जो है ना 10 दिन ले रहा है और बी जो है 15 दिन ले रहा है। ठीक है, सी हमारा कितना दे रहा है भैया 18 दिन, सी जो है 18 दिन ले रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 90, एलसीएम इसका 90 हो जाएगा, और जो एलसीएम लेते हैं वही आपका टोटल वर्क होता है। तो भैया इसका एफिशिएंसी निकालिए, 90 में 10 भागा देंगे तो 9, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 5। टोटल भैया वर्क था 90, टोटल वर्क में तीनों का टोटल वर्क 90 था, मिलकर काम कर रहा था और एफिशिएंसी से तीनों को भाग दीजिए तो 9, 6, 15 और 5, 20। तो यहाँ पर 20 हो गया, 0 से 0 कट गया, यानी 9/2 यानी 4.5, 4.5 दिन में कार्य को समाप्त कर सकेगा तीनों मिलकर। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? देखिएगा, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, तो ए को 2/5 भाग करने में 12 दिन लग रहा है, तो पूरा काम करेगा इसलिए इसको हम पलट के गुणा करेंगे। 12 का 2/5 है तो 5/2, तो 2 × 6 = 12, यानी ए हमारा निकल के आ गया 30 दिन। आगे क्वेश्चन में कह रहा है भैया
कि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में, बी जो है 3/4 भाग इसी कार्य का 15 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग काम करेगा, तो ये इसको पलट के गुणा करते हैं, तो 15 3/4 है 4/3 पलट दिए तो ये होगा 3 × 5 15 5 × 20, यानी इसका निकल गया आपका 20 दिन, ए 30 दिन, बी 20 दिन। अब दोनों मिलकर कार्य कितना दिन में करेगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो सबसे पहले ये टोटल वर्क ले लीजिए, टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 60, एलसीएम लेंगे वही टोटल वर्क होगा, इफिशियंसी हो जाएगा 30 × 60 ये हो गया 20 × 60, तो भैया टोटल वर्क था 60, टोटल काम दोनों का था 60, और यहाँ पर दोनों का एफिशियंसी से भाग दीजिए 5 से, तो ये हमारा हो जाएगा 12 दिन, यानी दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। आइए क्वेश्चन देखा जाए भैया 5, करा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे कर सकेंगे, बी अकेला इसे कितना दिन में कर सकेगा। चलिए देखिए, ए प्लस बी जो है ये मिलकर कार्य को कर रहे हैं 20 दिन में, और बी प्लस सी मिलकर इसको कार्य को यही कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है सी प्लस ए मिलकर 12 दिन, सी प्लस ए मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, सबसे पहले जो है ना इसका आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए नहीं आपका टोटल वर्क होगा, तो भैया 20 15 12 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। अब इसका एफिशिएंसी निकालिए, 20 × 60, 15 × 4 60 और 12 × 5 60। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो यहां पर टोटल वर्क 60 है, टोटल वर्क 60 है, और यहां पर हमारा टोटल एफिशिएंसी 5 × 4 9 3 12, 5 × 4 9 3 12, तो ये टोटल एफिशिएंसी आपका हो गया 12। लेकिन यहां पर जो है ना ये दो गो ए, देखिए एक ए एक ए, दो गो ए एक बी एक बी, दो गो बी एक सी दो गो सी, तो दो गो ए दो गो बी दो गो सी का ये एफिशिएंसी है 12, समझ रहे हैं, तो ए गो ए और ए गो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो यहां पर हम 6 से भाग दे देंगे, चूंकि दो गो ए देखिए ए ए दो गो ए बी बी दो गो बी सी सी दो गो सी, तो भैया दो गो ए दो गो बी दो गो सी का ना एफिशिएंसी 12 है, तो ए गो ए गो सी का आधा ना कर देंगे, 12 का आधा एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6, इसलिए मैं 6 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10 दिन। चाहे इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, कैसे बोलते हैं और में देखिए, यहां पर हमारा टोटल 60 वर्क था ना, ठीक है टोटल वर्क 60 था, यहां पर हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा 5 × 4 9 3 12, ठीक है। अब हमको चाहिए एगो 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 बी एगो सी का निकालना, ठीक ना, तो जब दो गो ए दो गो बी दो गो सी करने में आपको इतना दिन लग रहा है, तो एगो ए एगो बी एगो सी करेगा तो टाइम दुगना ना लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा था कि बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो भैया ए प्लस बी प्लस सी यहां पर हमने निकाला तो आपका 10 दिन हो गया, ठीक है। और आपसे तो 6 में से 5 जाएगा 1 1, और फाइनली जब आप जानते हैं कि टी बराबर होता है वर्क बटा इफिशियंसी, यही हमारा इतना दिन आंसर हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। भैया ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की जो कार्य क्षमता है बी से क्या है दुगनी है, कार्य क्षमता है यानी एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो एफिशिएंसी ठीक उल्टा होता है टाइम के, तो ये पलट जाएगा 1:2। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था ए बी से 10 दिन कम लेता है, 10 दिन कम ले रहा है भैया ए बी से, और यहां पर देख लीजिए हम लोग के अनुसार 1 दिन कम ले रहा है, तो इसका तुलना इससे, क्वेश्चन में पूछ रहा था ना कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा करेंगे तो इसके लिए आप जानते हैं दोनों के लिए d1 × d2 बटा में d1 + d2 होता है, तो 10 × 20 20/3, और 20/3 का मतलब हो जाएगा 6 सही 2/3, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा क्वेश्चन कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है,
ए की जो कार्य क्षमता है भैया बी से दुगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, ई आपका इफिशियंसी दिया हुआ है, क्षमता ठीक उल्टा होता है समय का, तो ये पलट देंगे तो एक अनुपात दो हो गया। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, टाइम दिया है आपका 14 दिन और दोनों का एफिशिएंसी दिया है 2:1:3। तो आप जानते हैं कि वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी गुणे टाइम होता है, भैया टाइम 14 दिया था, एफिशिएंसी दोनों का 3 है तो टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो भैया ए के एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, तो 2 से हमने भाग दे दिया तो यह टाइम निकल गया, 7 × 21 यानी 21 दिन में ए अकेला कार्य को समाप्त करेगा। आइएगा क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ए जो है ना एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर भैया 5 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं फिर बी काम कर छोड़कर चला जाता है, तो बी काम छोड़कर चला जाएगा तो शेष कार्य कौन करेगा, ए करेगा ठीक ना। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा, कितना दिन ले लेगा ए, तो ऐसा करा जाना ये दोनों का पहले एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 100 हो जाएगा, ये आपका टोटल वर्क हो गया, 100 में 20 से भागा दे दीजिए तो एफिशिएंसी निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 4। 5 दिन ए प्लस बी मिलकर कार्य करा है और ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 9, तो टोटल वर्क हो जाएगा कितना, दोनों मिलकर कितना निपटा देगा, 45 वर्क। हमने कहा कि टोटल 100 वर्क था जिसमें दोनों का एक दिन का एफिशिएंसी 9 है, 5 दिन किया है तो एक दिन में 9 काम कर रहा है तो 5 दिन में 45 काम निपटा देगा, बाद बाकी बच जाएगा 55 काम ए अकेले कर रहा है तो एक एफिशिएंसी से भाग देंगे, जिसके एफिशिएंसी से भाग देंगे उसी का टाइम निकलेगा, तो एक का पूछा था तो एक एफिशिएंसी से भाग देंगे तो 5 से आंसर आ जाएगा 11 × 5 = 55 यानी फाइनली आंसर आ जाएगा 11 दिन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा ए कार्य को आरंभ करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। आइए सॉल्व करते हैं। ए कार्य को 7 दिन में, भैया ए जो है ना एक कार्य को 7 दिन में कर रहा है और बी जो है उसी कार्य को 8 दिन में कर रहा है, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें यानी एक दिन ए तो उसके अगले दिन बी, फिर एक दिन ए तो उसके अगले दिन बी, ऐसे कर रहा है तो कार्य ए आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो भैया एक दिन ए उसके अगले दिन बी कर रहा है तो कार्य हो गया आपका 2 दिन, तो लिखेंगे 2 दिन, 2 दिन का कार्य। ये अल्टरनेटिव केस है, इसमें एलसीएम को नीचे लिखते हैं तो 8, 7 का एलसीएम लेंगे तो 56 हो जाएगा। अब भैया जब टोटल वर्क हमारा 56 हो गया, टोटल वर्क यहाँ पर हमारा 56 हो गया 8, 7 का एलसीएम लिए तो एफिशिएंसी इसका कितना हो जाएगा 8, ये हो गया आपका 7। फिर से बोलते हैं 2 दिन का कार्य, क्योंकि एक दिन ए कर रहा है तो उसका अगला दिन ए नहीं कर रहा है बी कर रहा है, तो एक दिन ए उसके अगले दिन बी, फिर उसी प्रकार आगे एक दिन ए उसके अगले दिन बी, तो कार्य हमारा 2 दिन हुआ। तो 2 दिन का कार्य अल्टरनेटिव केस में एलसीएम को नीचे लिखते हैं, जब टोटल वर्क हमारा 56 हो गया तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8, 7 है, 56 में 7 से भागा देंगे 8, 56 में 8 से भागा देंगे 7, तो एफिशिएंसी 8 × 7 हो गया, यहाँ पर हो गया हम लोग के अनुसार 15। टोटल वर्क कितना है भैया 56। अब 56 है तो यहाँ पर जब भी ये हमारा टोटल वर्क है, जब भी गुना करेंगे इसमें, गुना करेंगे इससे कम में ही गुना करेंगे, अगर इसमें 4 से गुना करेंगे तो 60 आ जा रहा है जो कि 56 से अधिक हो जा रहा है, तो जब भी लेंगे गुना करेंगे यहाँ पर इससे कम वाला डिजिट से ही गुना करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 4 ले रहे हैं तो 60 हो जा रहा है जो कि हम 4 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे यहाँ पर 3 लेंगे, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। अब क्या करना होगा, अब शेष कार्य कितना बचा, टोटल 56 काम था 45 काम हो गया, तो अभी हमारा बचा है शेष काम 11/56 ठीक है। अब आगे आ रहा है कौन, ए, तो ए एक दिन काम करेगा तो एक दिन का काम ए का प्लस 1 जुट जाएगा क्योंकि एक दिन का काम घटा रहा है किसका,
भैया ए का, तो एक दिन का काम घटाएंगे तो एक बटे सात, एक बटा सात हो गया। अब छप्पन सात का एलसीएम लेंगे तो छप्पन होगा, छप्पन बनाने के लिए इसमें आठ से, तो इसमें भी आठ से। अब हमारा हो जाएगा ग्यारह में से आठ जाएगा तीन, और बटा में हमारा हो जाएगा छप्पन। अब आगे आके बी ए कर देगा तो इसलिए बी से गुना कर देंगे आठ, ठीक है। तो आठ सते छप्पन, अब तो कुछ बचा नहीं है आगे काम करने के लिए, तो न घटेगा न कटेगा, तो हमारा हो जाएगा तीन दूनी छः एक सात प्लस यहाँ पर तीन बटा सात, तो हमारा आंसर हो जाएगा सात सही तीन बटा सात दिन, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए दस नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा दो आदमी तथा तीन लड़के मिलकर किस कार्य को दस दिन में समाप्त करते हैं, जबकि तीन आदमी तथा दो लड़के मिलकर इसी कार्य को आठ दिन में समाप्त करते हैं। दो आदमी तथा एक लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दो आदमी तीन लड़के, भैया दो आदमी और तीन लड़का मिलकर किसी कार्य को दस दिन में समाप्त करते हैं, किसी कार्य को दस दिन में समाप्त करते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है जबकि तीन आदमी दो लड़के मिलकर, तीन आदमी दो लड़के मिलकर उसी कार्य को आठ दिन में समाप्त कर सकते हैं, आठ दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आदमी एक लड़का मिलकर, दो आदमी एक लड़का मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए ना, ये पांच से काट देंगे, पांच दुना दस चार दुना आठ, पांच दुना दस मैन प्लस पंद्रह बॉय, इधर हो जाएगा चढ़ते ही बारह मैन प्लस चार दुनी आठ बॉय, तो दस मैन में से बारह मैन सेम डायरेक्शन में घटेगा दो मैन, और पंद्रह बॉय में से आठ बॉय जाएगा तो सात बॉय, तो दो मैन बराबर हमारा हो गया सात बॉय। अब आपको करना क्या है, दो मैन प्लस थ्री लड़का और गुणे दस बराबर टू मैन प्लस एक लड़का गुणे डी। अब आप जानते हैं कि दो आदमी बराबर सात को लड़का, दो आदमी जितना काम करता है उतना सात को लड़का मिलके काम करता है, तो दो आदमी बराबर है सात लड़का के, तो दो आदमी के जगह पर हम सात लड़का लिख देंगे, क्यों, क्योंकि दो आदमी बराबर सात लड़का है, दो आदमी उतना ही खाता है जितना सात लड़का मिलके खाता है, तो हमने कहा कि दो आदमी की जगह सात लड़का हमने लिख दिया यहां पर, और तीन लड़का पहले से था, तो सात लड़का प्लस तीन लड़का गुणे दस। आगे दो मैन बराबर सात लड़का, तो दो मैन के जगह पर लिखेंगे सात लड़का प्लस एक लड़का पहले से, जोड़ देंगे और गुणे डी, कैलकुलेट करिए, तो सात तीन दस लड़का गुणे दस बराबर आठ लड़का गुणे डी, लड़का से लड़का गया दो चौ के और दस दह यहाँ सौ है ना, तो पच्चीस सौ का, तो टू डी बराबर हो जाएगा पच्चीस, भैया टू डी बराबर हो गया पच्चीस, इसलिए डी बराबर हो जाएगा पच्चीस बटा दो, पच्चीस बटा दो का मतलब बारह सही एक बटा दो दिन आपका आंसर आ जाएगा। ग्यारह नंबर है, यानी ये लास्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आठ पुरुष एक काम को बीस दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम आठ महिला बत्तीस दिन में पूरा कर सकती है, इसी काम को पांच पुरुष तथा आठ महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। आठ पुरुष एक काम को बीस दिन में, आठ को पुरुष है और एक काम को बीस दिन में कर रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि आठ महिलाएं उसी काम को बत्तीस दिन में समाप्त कर रही है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पांच पुरुष और आठ महिलाएं मिलकर, पांच पुरुष आठ महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी। तो आइए इसको समझिएगा, ऐसा करा जाना, ये आठ से आठ कट जाएगा, फिर ये कटेगा पांच चौका, फिर ये कट जाएगा आठ चौका, यानी हमने कहा कि भैया हमारा आ गया पांच मैन बराबर आठ ओमेन। चलिए अब जरा गौर करिए, हम ले लेते हैं कोई एक ले लेते हैं, यहां पर लेते हैं आठ ओमेन गुने बत्तीस, और ये हो जाएगा पांच मैन प्लस आठ औरत गुने डी। अब जरा गौर करिए, पांच मैन बराबर आठ औरत है, आठ औरत बराबर पांच मैन है, तो ऐसा करा जाए ना, आठ औरत जगह पर पांच मैन लिख सकते हैं, यानी कि आठ औरत उतना ही खाती है जितना पांच मैन मिलकर खाता है, ठीक है। तो पांच मैन आठ ओमेन बराबर पांच मैन, आठ ओमेन के जगह पर पांच मैन लिख दिया गुणे बत्तीस बराबर, ठीक है, आठ ओमेन बराबर पांच मैन, तो पांच मैन यहां पर तो था ही, और आठ ओमेन के जगह पर पांच मैन हमने लिख दिया, तो गुणे डी, तो पांच मैन गुणे बत्तीस बराबर दस मैन गुणे डी, तो मैन से मैन कट गया भैया, पांच दुना दस
2 16 32, तो डी बराबर आपका आ गया 16 दिन, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 15A। क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी काम को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। देखिए ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है भैया, 12 दिन में। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक, ए की तुलना में बी जो है ना 60% अधिक कुशल है, कुशल है मतलब एफिशिएंसी है इसका, तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 × 16 5 × 10, ये आपका एफिशिएंसी दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है ए का टाइम दिया है आपका 12, ए का टाइम दिया है 12, ए का एफिशिएंसी दिया है 5, तो आप जानते हैं कि टाइम एफिशिएंसी से गुना करते हैं, टाइम में एफिशिएंसी से गुना करते हैं तो टोटल वर्क निकलता है, तो हमारा टोटल वर्क हो गया ही था ना। क्वेश्चन में कह रहा था कि उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, तो भाई बी पूछ रहा है तो बी के एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए तो टाइम निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं टाइम बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी, तो वर्क हमारा 60 है, एफिशिएंसी हमारा बी का 8 है, तो गुना कराइए 4 × 8 चरती 12 भैया 15/2, 15/2 का मतलब हो जाएगा 7 सही 1/2 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी से 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिएगा भाई, ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए ले रहा है कार्य को करने में 10 दिन और बी कार्य को करने में ले रहा है 15 दिन, तो कह रहा है कि दोनों अगर मिल जाए तो कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा दोनों के लिए। आप जानते हैं सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम लेंगे वही टोटल वर्क होता है, तो एफिशिएंसी हमारा हो जाएगा 30 में 10 से भाग देंगे 3 और 30 में 15 से भाग देंगे 2, टोटल वर्क हमारा 30 था और यहाँ पर टोटल दोनों का एफिशिएंसी, दोनों का टोटल वर्क 30 था, दोनों का एफिशिएंसी से भाग दीजिए 5, यानी आंसर आ जाएगा दोनों मिलकर कार्य को 6 दिन में समाप्त करेगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो ए प्लस बी मिलकर 15 दिन ले रहा है टाइम, ए प्लस बी मिल रहा है तो कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है और बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो कह रहा है कि ए इस कार्य को कितना दिन में करेगा। सबसे पहले दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा भैया 60, अब एफिशिएंसी हो जाएगा 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60, सही है। अब हमारा ए का पूछा था तो एक एफिशिएंसी से भाग देंगे तो ना एक टाइम निकलेगा, क्योंकि टाइम बराबर होता है वर्क बटा एफिशिएंसी, तो हमको ए का टाइम निकालना है, तो वर्क तो हमारा 60 है, अब चूंकि ए का एफिशिएंसी से हमको भाग देना होगा तो दोनों का एफिशिएंसी 4 था और बी का यहां पर 3 है, दोनों का एफिशिएंसी 4 था और बी का यहां पर 3 है, तो ए का कितना हो जाएगा 1, तो ए का एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए और यही हमारा आंसर हो जाएगा 60 दिन। क्वेश्चन 4 देखिएगा, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सके, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि तपस अकेला उसे कितना समय में पूरा करेगा। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, तपस जो है भैया मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, ठीक है। एफिशिएंसी दिया है, एफिशिएंसी आप जानते हैं ठीक उल्टा होता है टाइम का, तो 1:2 हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है ए कार्य को एक बटा दो भाग पांच दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का तीन बटा पांच भाग नौ दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य को दो बटा तीन भाग आठ दिन में समाप्त करता है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। ध्यान से देखिएगा भैया, ए कार्य का एक बटा दो भाग पांच दिन में, ए जो है ना एक बटा दुए भाग पांच दिन में कर रहा है, तो भैया अगर ये पूरा भाग काम करेगा, पूरा भाग का मतलब एक भाग, तब पांच एक बटा में दो दो ऊपर चल जाएगा, लेकिन हम इसको कैसे बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, ए कार्य का एक बटा दो भाग पांच दिन में, जब एक बटा दुए भाग पांच दिन में तब पूरा भाग दस दिन में, इसलिए इसका गुणांक पलट के लिखेंगे, मतलब ए एक बटा दुए भाग काम पांच दिन में तो पूरा भाग काम करेगा, एक बटा दो गुणांक था पलट के लिख देंगे दो बटा एक, तो यानी ए का कार्य आपका टोटल इतना दिन हो गया। और बी यहां पर लेंगे डायरेक्ट, बी तीन बटा पांच भाग काम करने नौ दिन, तो यहाँ ऊपर ऊपर काटिए ना, जैसे ये तीन बटा पांच दिया है ना, यहाँ नौ दिन दिया है, तो तीन तिया नौ और पांच तिया पंद्रह, तो बी हमारा हो जाएगा पंद्रह। आपको मैंने बता दिया है कैसे हो रहा है ये, ठीक ना। यहाँ पर समझा के बताया कि एक बटा दो भाग एक काम पांच दिन में, तो पूरा भाग मतलब एक काम कितना दिन में, तो इसका गुणांक एक बटा दो था तो पलट गया दो बटा एक, तो दस दिन में, तो उसी प्रकार बाद बाकी में रूल लगेगा। अब कह रहा दो बटा तीन भाग काम आठ दिन में, तो पूरा भाग करेगा सी ना, तो भैया बारह दिन लग जाएगा। अब ये दस है तो इसको हम बढ़िया से लिख लेते हैं दस, ठीक है। अब इसका जो है टोटल एलसीएम लीजिए, दस पंद्रह बारह के एलसीएम लेंगे तो साठ, ये टोटल वर्क हो गया, एफिशियंसी दस का साठ, पंद्रह चौका साठ और बारह पचे साठ, टोटल कह रहा था कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, टोटल वर्क था साठ, टोटल वर्क साठ है, टोटल एफिशिएंसी छः चार दस पाँच पंद्रह, पंद्रह पंद्रह चौका साठ, यानी आंसर आ गया चार डे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा भैया सात नंबर, ए और बी मिलकर किसी कार्य को आठ दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को बारह दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को पूरे चार दिन लगा रहता है, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा। गौर से देखिएगा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को आठ दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी अगर मिल जाता है तो कार्य को भैया कर रहा है आठ दिन में, आठ दिन में कर रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी अकेला उसी कार्य को बारह दिन में करता है, बी अकेला उसी कार्य को भैया बारह दिन में करता है, ठीक है। अब ऐसा करा जाना, ये दोनों का एलसीएम लिया जाए, तो आठ बारह का एलसीएम लेंगे तो चौबीस हो जाएगा, यानी एलसीएम जो लेते हैं वही हमारा टोटल वर्क होता है, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 24 में 8 से भागा देंगे इसका 3 इफिशियंसी, या 24 में 12 से भागा देंगे इसका 2 इफिशियंसी। अब जरा गौर करिए, क्वेश्चन में कह रहा था कि भैया बी अकेला चार दिन तक कार्य करा, बी कितना दिन लिया, चार दिन, तो बी का एक दिन का एफिशियंसी जो था ना दो था, बी एक दिन में इसका एफिशियंसी दो था, तो चार दिन में इसका टोटल काम कितना हो जाएगा, तो टोटल जो है चार दिन में ये आठ काम कर देगा। एक बार फिर से बोलते हैं, बी का एक दिन का एफिशिएंसी है दो, और कितना दिन करा है भैया चार दिन, तो एक दिन में दो काम तो चार दिन में आठ काम, तो बी आठ काम निपटा दिया, तो भैया चौबीस काम में बी आठ काम क्या कर दिया, निपटा दिया। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि ए अकेला उसे कितना दिन में पूरा करेगा, तो चौबीस काम टोटल था, आठ काम बी निपटा दिया, तो बचा सोलह काम, बचा सोलह काम, और वो कौन करेगा, ए पूछ रहा है, तो टोटल एफिशिएंसी तीन था और बी का यहां पर दो है, टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी का तीन था और बी का यहां पर एफिशिएंसी दो है, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा एक, तो टोटल वर्क में एक एफिशिएंसी से भाग देंगे, जिसके एफिशिएंसी से भाग देंगे उसी का टाइम निकलेगा, तो भैया एक एफिशिएंसी से भाग दिए हैं तो ए हमारा हो जाएगा कितना दिन, सोलह दिन। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिएगा आठ नंबर, ए किसी कार्य को नौ दिन में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। ए किसी कार्य को नौ दिन में समाप्त करता है, भैया ए किसी कार्य को नौ दिन में समाप्त करता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से, बी की जो कार्य क्षमता है ए से 50% अधिक है, तो ए से 50% अधिक है मतलब ए 100 होगा तो ये हो गया आपका 150, ये कार्य क्षमता एफिशिएंसी का बात बोला है, तो ये हो गया 50 दूना, ये हो गया आपका 50 तिया, ये आपका एफिशिएंसी है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है भैया कि बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, बी का टाइम पूछा है, तो बी का टाइम पूछा है तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए आपका नौ दिन में कर रहा था, ए का एफिशिएंसी यहां पर कितना है, तो ए का टाइम दिया है, ए का एफिशिएंसी भी पता है, तो गुना करा देंगे तो ये टोटल वर्क निकल जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी से भाग दीजिए, तो बी का एफिशिएंसी आपका तीन है, इसमें तीन से भाग देंगे तो तीन तिहाई नौ और तीन दूना छह, तो आपका आंसर आ जाएगा छह दिन।
क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, बी तथा सी मिलकर 24 दिन में, सी प्लस ए मिलकर 36 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए प्लस बी मिलकर 18 दिन, ए प्लस बी मिलकर कितना दिन भैया 18 दिन। आगे कह रहा है कि बी प्लस सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर क्वेश्चन में कह रहा है भैया 24 दिन, और सी प्लस ए मिलकर 36 दिन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा वही टोटल वर्क होगा। तो भैया हमारा हो जाएगा आपका कितना 72, 72 टोटल वर्क हो गया। इफिशियंसी निकालेंगे तो 18 चौका 72, 24 तिया 72 और 36 दूना 72, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी, एगो एगो बी एगो सी के बारे में आपसे पूछा है कि एगो ए और एगो बी एगो सी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, समझा रहा। अब आप ही बताइए टोटल वर्क है कितना 72, टोटल वर्क कितना है 72। अब टोटल यहां पर एक ए तो दू गो ए हो गया ना, एगो बी दू गो बी, सी अब सी दू गो सी, तो हम कहेंगे कि दू गो ए दू गो बी दू गो सी का टोटल इफिशियंसी हो जाएगा 4 × 3 = 7 और 2 = 9, ठीक है, 9 हो गया ना, 9 इफिशियंसी हो गया दू गो ए दू गो बी दू गो सी का। तो एगो ए एगो बी एगो सी का एफिशिएंसी क्या होगा, उसका आधा ना होगा, तो यहां पर हमारा हो जाएगा 9 अब बटे 2 चल जाएगा ऊपर, तो भैया ये कट जाएगा 8 × 9 = 72 और 8 × 2 = 16, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 10 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी प्लस ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। सी पूछा है अकेला इसे कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, ए प्लस बी मिलकर कार्य को कर रहा था 8 दिन में, और बी प्लस सी आपका मिलकर कार्य को कर रहा था 12 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा था, 15 दिन में कर रहा था। सबसे पहले जो है ना इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा 15, 8, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 60 तो होगा नहीं 120, तो एफिशिएंसी हो जाएगा ये हो गया 15, 120 में 12 से करेंगे तो ये होगा 10 और 120 में 15 से तो कितना 8 ना। अब ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे इसका, तो भैया टोटल आपका वर्क 120 था, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15, 10, 25, 8, 33 ना, ये दोनों का ना एफिशिएंसी था, एगो एगो बी सी का आधा ना हो जाएगा, दू गो ए दू गो बी दू गो सी का टोटल एफिशिएंसी 33 है, तो एगो एगो बी एगो सी का एफिशिएंसी 33/2 ना, तो 33/2 कर देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा ना, अब काटेंगे तो 40 × 3 = 11, तो भैया ए प्लस बी प्लस सी हमारा आ गया 80/11, ठीक है। हमको चाहिए था सी पूछा है, तो बी ए प्लस बी घटाना पड़ेगा, तो ए प्लस बी हमारा यहां पर दिया है 8 दिन ले रहा था, अब हम क्या करेंगे इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर का एलसीएम अब बट्टा में नीचे का एससीएफ, जब भी आपको फ्रैक्शन के रूप में आ जाए भिन्न के रूप में आ जाए हमको क्या करना है भैया, ऊपर का एलसीएम और नीचे का एससीएफ तब जाके हमारा सी निकलेगा, तो 80 × 8 = 80 ना, तो ये ऊपर हो जाएगा 11, ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 10, इसका 1 से गुना करिए चाहे ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा इफिशियंसी निकल गया, तो 11 में से 10 जाएगा क्या 1, तो जिसका टाइम पूछेगा उसके इफिशियंसी से क्या करते हैं भाग देते हैं, तो टोटल वर्क 80 है और सी का इफिशियंसी 1 है, इसमें भाग दे दिए तो सी का टाइम निकल गया, यानी फाइनली 80 दिन आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आइए 11 देखिए। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ए कह रहा है कि 18 दिन में, बी 20 दिन में, ए 18 दिन में कर रहा है और बी जो है ना 20 दिन में कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सी 30 दिन में पूरा कर सकता है, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले जो है ना पहला काम आपका एलसीएम लेना होता है, 180 होगा, एलसीएम लेने के लिए सिखा देते हैं। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो 3 × 6 = 5 = 30, इसका काम खत्म, 20 लेना है, तो 5 × 10 = 20 हो गया, 18 लेना है, 3 × 6 = 18, अब 3 × 6 = 5 = 30, अब 30 × 6 कितना 180, तो एलसीएम लेने का ये भी तरीका है, तो यहां 180 हो गया।
अब इफिशियंसी हो जाएगा भैया 10, यहां पर हो गया 9 और यहां पर हो जाएगा आपका कितना 6। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था 11 नंबर में कि बी तथा सी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद। बी तथा सी जो है ना कार्य को आरंभ करते हैं लेकिन 2 दिन बाद क्या होता है भैया, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, शेष कार्य पूरा करने में ए कितना समय लगेगा। अब जब ये दोनों चला गया तो शेष कार्य ए को करने में कितना समय लगेगा। आप जानते हैं बी तथा सी का एफिशिएंसी यहां पर कितना है, 15 है। तो अगर बी तथा सी मिल जा रहा है तो दोनों का एक दिन का एफिशिएंसी 15 हो जा रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा, एक दिन में 15 काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम निपटा देगा, 30 काम। तो टोटल 180 काम था, 180 काम में बी प्लस सी मिलकर 30 काम कर दिया, तो बचा कितना काम भैया, 150 बचा। अब ए का निकालना है तो ए का एफिशिएंसी से आपको भागो तो देना पड़ेगा, भागा तो देना पड़ेगा ना। तो ए का टोटल वर्क इतना है और ए का एफिशिएंसी आपका है 10, तो जिसका टाइम निकालना है, जिसका टाइम निकालना है उसके एफिशिएंसी से भाग देंगे, ठीक है। तो ए का टाइम निकालना था तो भैया ए का एफिशिएंसी हमारा 10 था, इसे भाग दे दिए तो हमारा आंसर आ गया कितना दिन, 15 दिन। 12 क्वेश्चन देखिए, ए बी सी ए कार्य को क्वेश्चन कर रहा है 6 घंटे 4 घंटे 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। ए 6 बी 4 सी 12, ए 6 बी 4 और सी 12 तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। कुछ नहीं करना है, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो टोटल हो जाएगा वर्क 12, 6 × 12 चरती 12, 12 × 1 = 12 टोटल वर्क है 12, टोटल वर्क पता है, टोटल एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए ना, 3 × 2 = 5 = 6 आंसर। आइए देखिए, एक आदमी और एक लड़का, जब आदमी और एक लड़का इकट्ठा मिलकर कार्य करता है तो 24 दिन में कार्य को निपटा देता है, टोटल कार्य जो है समाप्त हो जा रहा है भैया 26 दिन। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम को करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। भाई आदमी अकेला काम को कर रहा था कितना दिन में, 6 दिन में, ठीक ना, आदमी अकेला कार्य को कितना दिन में कर रहा था, 6 दिन में, तो टोटल वर्क था 26 दिन, टोटल वर्क था 26 दिन जिसमें आदमी अकेला 6 दिन किया। क्वेश्चन में कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो भैया जाहिर सी बात है कि आदमी और लड़का मिलके 20 दिन तक कार्य किया होगा तभी जाकर टोटल हमारा 26 दिन हुआ होगा। अब आपको क्या करना है, पूरा काम में से, पूरा काम में से एक दिन आदमी किया रहा था, आदमी लड़का, तो 1/24, लेकिन 20 दिन आदमी और लड़का मिलकर किया है, 20 दिन का काम घटा देंगे यहां पर, तो भैया 20 अबटा में हो जाएगा 24। तब पूरा काम में से, ये एक माने पूरा काम,
पूरा काम में से आदमी और लड़का मिलकर 20 दिन किया है तो 20 बटा 24 काम घटा देंगे तो शेष जो बचेगा इतना भाग काम आदमी 6 दिन में अकेला कर रहा था, अकेला कर रहा था। अब इसको काटिए, 5 चौका 6 चौका, तो 1 माइनस 5 बटा 6 यानी 1/6 भाग काम करने में आदमी को लग जा रहा है 6 दिन। तो भैया अगर पूरा भाग काम करेगा, एक भाग यानी पूरा भाग काम करेगा तो गुणांक पलट जाता है, तो 1/6 है तो 6/1 हो जाएगा, यानी आदमी को कितना दिन लग जाएगा, 36 दिन में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैन प्लस बॉय मिल के काम को कर रहा था 24 दिन, आदमी हमारा निकल गया कितना दिन भैया, 36 दिन। तो अब लड़का निकल जाएगा आराम से, तो 24-36 कैल्शियम लेंगे तो 72 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 72 इफिशियंसी निकालेंगे तो 24 दिया 72 और 36 दिनी 72, तो टोटल इफिशियंसी है आपका लड़का और आदमी का 3, जिसमें आदमी का 2 है, तो लड़का का कितना हो जाएगा 1। लड़का का टाइम पूछा था तो लड़का के एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए भैया, 72 दिन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 15 देखिए, किसी कार्य का 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। देखिएगा 7/10 भाग कार्य है जिसको ए जो है ना कर रहा है कितना दिन में, 15 दिन में, तब पूरा काम में से 7/10 घटा दीजिए तो 3/10 भाग काम ये शेष बचा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी कार्य का, मतलब किसी कार्य का 7/10 भाग ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य, तो भैया बी की सहायता से शेष कार्य यानी ए के साथ बी भी आ गया, शेष कार्य क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 दिन में पूरा करता है, तो 3/10 भाग कार्य ए प्लस बी को करने में 4 दिन, तो इसलिए पूरा भाग कार्य ए प्लस बी करेगा तो गुणांक पलट जाएगा, 4 × 10/3 तो 40/3 बोले तो 13 सही, 1/3 दिन आपका आंसर आ जाएगा। 16 क्वेश्चन देखिए, एक कार्य को 4 घंटे बी तथा सी मिलकर 3 घंटे तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ए एक कार्य को 4 घंटे में, ए एक कार्य को 4 घंटे में, आगे क्वेश्चन में कह रहा है बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, और आगे कह रहा है कि ए तथा सी मिलकर, ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा करते हैं, ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा करते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम लिया जाए, भैया एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, इफिशियंसी लेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 चौके 12 और 2 छक्का 12, सही है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी के एफिशिएंसी से भाग देंगे। अब जरा गौर करिए, हमको चाहिए बी, तो सबसे पहले जो है टोटल टाइम में उसके बी के एफिशिएंसी से भाग देंगे तो बी का टाइम निकलेगा। अब देखिएगा टोटल यहां पर ए प्लस बी प्लस सी अगर जोड़ देंगे तो टोटल यहां पर हमारा 4 × 3 7 हो जाएगा, ए सी का कितना दिया 6, तो बी का कितना हो जाएगा 1, टोटल वर्क कितना दिया है 12, तो टोटल वर्क में बी के एफिशिएंसी से भाग दीजिए ना, बी का टाइम निकल जाएगा तो 12/1 यानी कि क्या 12, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर 12 दिन नहीं भैया घंटा में दिया है तो आंसर हो जाएगा घंटा में। आइए क्वेश्चन 17 देखिए, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो बी अकेले इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए बी किसी कार्य को जितना समय में करता है, नहीं पता है बी कितना समय में करता है, तो हमने मान लिया कि बी जो है ना एक्स टाइम में करता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, बी जितने समय में काम करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करेगा, तो भैया ए आधा काम करेगा तो दुगुना समय लेगा, कोई भी आधा काम करेगा तो क्या करेगा दुगुना समय लेगा। अब भैया 2 से 3 बार में कट गया, इधर हो गया 3 इधर हो गया आपका 1, ठीक है, यानी x यहां से ऐसा करिए ना 3 हो गया तो यहां पर 3x हो जाएगा और उधर x हो जाएगा तो फिर x x तो कट ही जाएगा, तो यह हमारा 3:1 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, भैया 10 दिन दोनों मिलकर कार्य करता है और हम लोग के अनुसार दोनों मिलकर यहां पर d1 × d2 / d1 + d2 दोनों का तुलना दोनों से क्वेश्चन में जो पूछा गुना,
क्वेश्चन में पूछा है बी अकेले इसे कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी का पूछा है तो इसमें तीन से गुना कर देंगे, अब ये चार ऊपर चल जाएगा, ये हट गया तो तीन से तीन कट गया, आंसर आ गया आपका 40 दिन। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 18 क्वेश्चन देखिए, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकेंगे। देखिएगा ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, ए बी के तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है, इफिशियंसी दिया है और टाइम निकाल देंगे भैया यहां पर टी निकाल देंगे तो उल्टा होता है समय, ठीक उल्टा होता है क्षमता का। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है वैसे करिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा करता है, 60 दिन कम समय में पूरा करता है, यहां पर देख लीजिए ना कितना दिन कम समय, 2 दिन, तो इसका तुलना कर दिए। क्वेश्चन में पूछा था कि ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, यानी दो मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो डी वन गुणा डी टू बटा में डी वन प्लस डी टू, 15 चौका 60, 15 3 45, 45/2, 45/2 का मतलब हो जाएगा 22 सही 1/2 दिन आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा वैसे वैसे करिए, इसको दो तरीका से बताएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा भाई उस तरीका से आप सीख लीजिएगा। एक किसी कार्य को क्रमशः 36 दिन, बी जो है 54 दिन और सी जो है 72 दिन। आइए एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे वही आपका टोटल वर्क होगा, तो भैया 216 टोटल हो जाएगा वर्क, एफिशिएंसी लेंगे तो 36 छक्का 54 चौका 72 3। आप जरा गौर से समझिए क्वेश्चन का, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, यानी कि ए प्लस बी या प्लस सी तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, चलिए बढ़िया बात है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि काम समाप्त तो होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, काम समाप्त तो होने से पहले 8 दिन पहले जो है ना, 8 दिन पहले ए छोड़ दिया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है कि काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी छोड़ दिया, 12 दिन काम समाप्त होने से 12 दिन पहले, 12 दिन पहले बी छोड़ दिया, यो छोड़ दिया, यो छोड़ दिया। अब देखिए काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले जो व्यक्ति छोड़ेगा उसका काम जो है टोटल वर्क में जुट जाता है, ठीक है। आइए देखिए, जैसे हमने कहा कि यहां पर काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ा है, 8 दिन पहले, ए का एक दिन का एफिशिएंसी है 6, एक दिन का एफिशिएंसी है 6, टाइम दिया 8 दिन, एफिशिएंसी दिया है आपका 6, तो ये हमारा वर्क हो गया 48, टोटल 48 वर्क कार्य करा है तब जाके छोड़ा है। और बी जो है 12 दिन करके छोड़ा है, और बी एक दिन का एफिशिएंसी है 4 है, तो 12 दिन किया है तो 12 × 4 यानी 48 वर्क कर दिया। हमने कहा कि टोटल वर्क जो दिया था 216, उसमें से जो कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़ेगा तो इन दोनों का कार्य जुट जाएगा, 96 हो जाएगा, 6 6 12 2 1 9 1 10 1 11 312। अब टोटल वर्क हो गया इतना, ठीक है। अब आपको क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि सी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो भैया यहां पर 6 4 10 3 13, तो 312 में अगर तीनों के एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना दिन, 24 दिन, और यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे जरा इसको समझिएगा, ए 36 दिन, बी 54 दिन और सी भैया 72 दिन दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी, तो हम लिखेंगे पूरा काम प्लस 8 दिन काम करा है, 1 दिन किया होता तो 1/36, 8 दिन काम किया 8/36 और ये 12 दिन काम किया 12/36, सॉरी 12/54, 12/54।
अब हमने क्या बोला, यहाँ पर ये तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो भैया 216। अब ये एफिशिएंसी से भाग दीजिए, 6, 4 और ये हो गया 3। 36, 54 का अगर एलसीएम लेंगे तो 216 हो जाएगा। 216 बनाने के लिए इसमें 4 से तो ऊपर में 4 से, 216 बनाने के लिए इसमें 6 से तो ऊपर में भी 6 से, और 216 बनाने के लिए भैया एकरा में 216 से तो ऊपर में 216 से करेंगे तो 216 48 48 96 तो हमारा हो जाएगा 312। तो आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 312 अब बट्टा में हो जाएगा आपका 216 गुने 216 अब बट्टा में 6 4 10 3 13, ये तो कटिए जाएगा और 13 से ये 24 बार में कटेगा भैया, तो आंसर आ जाएगा 24 दिन। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर, कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, शेषकार सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया, तो सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी 12 दिन, ए प्लस बी मिलकर कार्य को 12 दिन में कर रहा है और बी प्लस सी मिलकर कार्य को 16 दिन में समाप्त कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए ने 5 दिन कार्य किया, भैया ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन कार्य किया होगा। ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य 5 दिन तो पक्का किया होगा, क्योंकि ए 5 दिन कार्य कर रहा था कम से कम, तो बी भी इसके साथ 5 दिन तो कार्य किया होगा, फिर भी बी का आपका 2 दिन बच गया, तो बी का 2 दिन बच गया, तो बी प्लस सी इसका 2 दिन बचा हुआ कम से कम, तो बी 2 दिन कम से कम सी के साथ तो काम करेगा ही करेगा, तो बी प्लस सी मिलकर कार्य 2 दिन कर दिया, तो बाद बाकी सी जो बचा 11 दिन में कार्य को पूरा करेगा। ये चीज मैंने लिख दिया, अब जरा गौर करिए, तो पूरा काम में से 5 दिन ए प्लस बी किया है, तो 5 दिन का काम 5/12 और बी प्लस सी यहां पर 16 दिन, हम लोग के अनुसार 2 दिन, तो 2/16, तो पूरा काम में से इसका काम घटा दिए और जो भी बचा भाग, इतना भाग काम सी अकेले 11 दिन में समाप्त किया। कैलकुलेट करा जाए, 12 16 का एलसीएम 48 48 बनाने के लिए इसमें 3 से तो ऊपर में भी 3 से, 48 बनाने के लिए इसमें 4 से तो ऊपर में भी 4 से, और 1/ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको 48 बनाने के लिए इसमें 48 है, तो भैया इसमें भी 48 है। अब जरा गौर करिए, 5 4 20 और द्वितीय 6, तो 48 में से 26 जाएगा, 22/48 भाग काम सी अकेले 11 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। तो पूरा भाग काम यानी 1 भाग काम सी अकेले कितना दिन में करेगा, तो जब इतना भाग काम करने में 11 दिन लग रहा है तो पूरा भाग काम करेगा तो गुणांक पलट जाएगा ना, तो 11 × 22/48 है, तो 48/22 हो जाएगा, काट देंगे 11 × 22 काट देंगे इसको 24 × 48 और फाइनली आंसर आ जाएगा 24 दिन। दोस्तों इसका एक और तरीका है बट ये काफी है। आइए किस क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए अकेला कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे। ये अल्टरनेटिव केस का क्वेश्चन है, तो करेंगे कैसे इसको, ए अकेला 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए अकेला कार्य को 10 दिन में और बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला कितना दिन में, 15 दिन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करें, ए आरंभ करे यानी एक दिन ए और दूसरका दिन बी, फिर आगे एक दिन ए और दूसरका दिन बी, फिर आगे एक दिन ए और दूसरका दिन बी, ऐसा ही काम जो है शुरू होता रहे, तो भैया एक दिन ए उसके अगला दिन ए नहीं करेगा, अगला दिन बी करेगा, तो काम कितना दिन हुआ, 2 दिन। अल्टरनेटिव केस में क्या करेंगे भैया, 2 दिन का काम लिखेंगे, 2 दिन का काम, 2 दिन का काम एलसीएम को नीचे, भैया 10 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 10 3 30 15 2 30 इफिशियंसी हो गया। अब यहां पर टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5, टोटल काम कितना है 30, तो इसमें कितना से काम, इसमें कितना से गुणा करा देंगे कि 30 हो जाएगा, तो इसमें 6 से गुणा करा देंगे, तो जब इसमें 6 से है तो इसमें भी 6 से, अभी 6 5 30 6 5 30 एक काम पूरा हो गया, और ये पूरा काम कितना दिन में भैया, पूरा काम कितना दिन में, 12 दिन में, यही आपका फाइनल आंसर होगा।
क्वेश्चन देखिएगा 22, क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला 16 दिन में जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और ए कार्य आरंभ करे तथा एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे काम करे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो सारा कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। देखिएगा ए 16 दिन में, ए कितना दिन में 16 दिन में, और बी कितना दिन में 12 दिन में, बी 12 दिन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कार्य आरंभ करे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी करे, यानी एक दिन ए तो उसके अगले दिन ए नहीं अगले दिन बी, फिर एक दिन ए उसके अगले दिन ए नहीं बी, फिर एक दिन ए उसके अगले दिन ए नहीं कौन बी, तो कार्य कितना दिन हुआ, एक दिन ए किया एक दिन बी किया, तो दो ही दिन कार्य हुआ, तो लिखेंगे दो दिन का कार्य या काम। अल्टरनेटिव कैसे, एलसीएम को नीचे, तो 16 12 का एलसीएम 48 ना, इफिशियंसी हो जाएगा 16 3 48 और 12 चौका 48, समझ में आ रहा है। टोटल वर्क कितना था 48, और हमारे यहां पर एक दिन का दोनों का एफिशिएंसी कितना है 7, और टोटल वर्क कितना है 48। तो ऐसा करा जाना, जब भी हम गुना कराएंगे तो ये टोटल काम में इसमें डिजिट से कम से ही गुना कराएंगे, अगर हम यहां पर 7 से गुना करा देंगे तो 49 काम हो जाएगा जबकि हमको 48 चाहिए, तो ये जितना काम है उसे हम कम ही में ही यहां पर डिजिट से गुना कराएंगे, तो अगर हम यहां पर 7 करेंगे तो 49 होगा, तो ज्यादा ना हो जाएगा इससे, तो हम यहां पर क्या लेंगे 6, तो जब इसमें 6 से तो इसमें भी 6 से, अब काट देंगे 6 बटे 48, पूरा काम, पूरा काम यानी एक में से 7 बटा 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा, पूरा काम में से 7 बटा 8 घटाइएगा तो हम 8 माइनस 7 यानी 1 बटा 8 ना, तो हमारा शेष कार्य बच गया 1 बटा 8। आगे क्या कर रहा था कि कौन आगे करेगा ए, तो ए काम आगे करेगा तो इतना काम बचा है, एक दिन काम करेगा ए तो एक दिन का काम ए का 1/16, तो एक दिन कार्य किया तो यहां पर प्लस 1 जोड़ देंगे, अब यहां पर 8 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 ना, तो 16 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से, तो 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 1, 1/16। अब आगे कौन करेगा भैया बी, आगे कौन करेगा बी, अब आगे बी करेगा, आगे कोई करने वाला नहीं है तो डायरेक्ट गुना करा देंगे, 4 3 12 4 4 16, 12 दिन 1 दिन 13 दिन, 3/4 दिन में कार्य क्या हो गया समाप्त हो गया, तो 13 सही 3 3/4 यानी फाइनली आंसर हो जाएगा 13 सही 3/4 दिन आपका आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए बी सी ए कार्य को क्रम से 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी कार्य को क्रमशः, ए बी सी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन 60 दिन में, 20 दिन 30 दिन और 60 दिन समाप्त करते हैं, ए के साथ एक दिन क्या बी, आगे क्वेश्चन में कह रहा है, और ए के साथ एक दिन सी बारी बारी से काम करें, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्य कितने दिन में, कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब जरा गौर करें, यानी यही चीज सीक्वेंस बार बार क्या हो रिपीट हो, यही बार बार सीक्वेंस क्या हो रिपीट हो। अब चलिए, तो एक के साथ एक दिन बी कार्य किया है, ए के साथ एक दिन सी, तो कार्य दो दिन हुआ है, तो लिखेंगे दो दिन का काम, दो दिन का काम भैया, दो दिन का काम एलसीएम को नीचे, एलसीएम लेंगे 60, एफिशिएंसी हो जाएगा 20 यानी 60 और 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, लेकिन ए यहां पर एक दिन बी के साथ किया है एक दिन सी के साथ किया है, तो ए दो दिन काम किया है, तो एक दिन का एक एफिशिएंसी था 3, तो दो दिन काम किया है तो 6 काम निपटा देगा, तो 3 दूनी 6 और 2 11 1 12, तो 12 हो जाएगा। अब यहां पर टोटल वर्क 60 है, यहां पर हमारा एफिशिएंसी जो है तीनों का मिलकर आ गया 12, इसको 60 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, अब ये 60 60 कट जाएगा यानी एक काम, और एक काम बोले तो ये 5 दुना 10 दिन, 10 दिन में आपका क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 24 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी ए कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए एक लगातार कार्य करे यानी ए जो है ना लगातार कार्य करे, पहला दिन भी करे दूसरा दिन भी करे ए, लेकिन आगे क्वेश्चन में कह रहा है तथा सी भी, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हर तीसरे दिन बी तथा सी ए के साथ मिल जाए, जैसे ये तीसरा दिन हुआ बी तथा सी ए के साथ मिल गया, अब यही प्रक्रिया आगे भी चालू रहेगा, यानी ए पहला दिन काम करेगा फिर ए दूसरा दिन काम करेगा
लेकिन ए तीसरा दिन काम करेगा लेकिन उसके साथ ए बी सी तीनों जुड़ जाएगा। फिर उसी प्रकार आपका यही चीज सीरीज रिपीट होगा, ए पहला दिन करेगा फिर ए पहला दिन दूसरा दिन करेगा फिर ए तीसरा दिन करेगा लेकिन इसके साथ ए बी सी क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो एक दिन दो दिन तीन दिन तो लिखेंगे यहां पर भैया, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 24 था ए 20 दिन बी 30 दिन, ए 20 दिन बी 30 दिन और सी भैया 60 दिन। सबसे पहले जो है ना इसका आप एलसीएम ले लीजिए, लिखेंगे यहां पर हमारा कार्य कितना दिन हुआ तीन दिन, तो लिखेंगे तीन दिन का कार्य या काम। एलसीएम को नीचे 20 30 60 का एलसीएम लेंगे तो भैया 60 होगा। अब 60 बनाने के लिए यहां पर 60 एलसीएम हमारा हो गया कितना 60, तो 20 तिहाई 60 तीन एफिशिएंसी हो जाएगा, इसका दो हो जाएगा इसका एक होगा ठीक है। अब ए यहां पर एक दिन दो दिन तीन दिन काम करा है, तो एक दिन का एक एफिशिएंसी तीन है, तो तीन दिन काम करा है तो नौ काम तो समाप्त कर दिया होगा, तो तीन से गुना कर दिया इसमें, तो तीन तिहाई नौ दो ग्यारह एक बारह, तो टोटल एफिशिएंसी हो गया 12, काम कितना था 60, एक दिन में एफिशिएंसी 12 काम का है तीनों का, तो भैया 60 काम कराना है तो पांच दिन में क्या करेगा निपटा देगा, इसमें पांच है तो इसमें भी पांच से, तो 60 से 60 कट गया। एक काम को ही हम लोग भैया पूरा काम बोलते हैं, और एक काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा भाई मेरे 15 दिन में। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ए अकेला कार्य को 12 दिन में बी अकेला 18 दिन में समाप्त करता है, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से तीन दिन पहले ए कार्य छोड़ दिया, पूरा कार्य करने में कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए ए 12 दिन बी 18 दिन, ए 12 दिन और बी 18 दिन। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, चलिए बढ़िया बात है, लेकिन कार्य समाप्त होने से तीन दिन पहले ए ने क्या कर दिया भैया छोड़ दिया। तो देखिए ना यहां पर अब लेते हैं 12 18 कैल्शियम 36 हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा तीन, यहां पर हो जाएगा दो। अब गौर से देखिए तीन दिन पहले ये काम करके छोड़ा है तो एक दिन की एफिशिएंसी तीन है, तो तीन दिन करके छोड़ा है तो ये हमारा हो जाएगा टोटल काम कितना 9। अब जरा गौर करिए, अगर कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले कोई काम छोड़ता है तो उसका काम भी टोटल काम में जुट जाता है, तो टोटल काम हमारा हो जाएगा 36 और 9 और तो 45 ठीक है। अब दोनों मिलकर कार्य करेगा तो 3 2 5 तो दोनों के वर्क में से दोनों के एफिशिएंसी से भाग देंगे तो 5 नवा 45 9 दिन, और ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जरा ठहरिए, एक और तरीका है जल्दी से इसको देख लीजिए, यहां पर क्वेश्चन में क्या कर रहा था एक बार बोलते हैं, तीन दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया, तब पूरा काम में तीन दिन पहले ए छोड़ा है तो तीन दिन का काम 3/12। अब हमने क्या करेंगे 12 18 कैल्शियम लेंगे तो भैया हो जाएगा 36, इसका एफिशिएंसी से भाग दीजिए 12 3 36, अब 18 दूना 36, अब इसका 12 बटा में कुछ नहीं एक है तो 1 12 कैल्शियम 12 होगा तो 12 बनाने इसमें 12 से गुना तो इसमें भी 12 से, तो 12 3 15 15 बटा 12 गुने 36 बटा में 5, तो भैया 12 3 36 5 3 15 3 3 9 और यहां पर भी आपका 9 आंसर आ गया। 26 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में बी 15 दिन में सी 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ए 10 दिन बी 15 दिन सी 20 दिन, ए 10 दिन और भैया बी 15 दिन और सी आपका दिया हुआ कितना दिन 20 दिन। अब जरा गौर करिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, ए तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य किया है, चलिए बढ़िया बात है, ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, अब ए के स्थान पर आगे जो है काम करेगा बी, लेकिन सी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहेगा, लगा दिया तो अब कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। अब भैया इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो 60 होगा, एलसीएम लेंगे वही टोटल वर्क होता है, एफिशिएंसी निकालेंगे 10 का 60 15 चौका 60 और 20 यही 60, ए तथा सी दो दिन तक कार्य किया है ना, तो ए तथा सी दो दिन तक कार्य किया, ए तथा सी तो एफिशिएंसी 6 3 कितना हो जाएगा 9 ना, तो एक दिन का एफिशिएंसी जो है ए तथा सी का 9 है, दो दिन किया है तो दो दिन में कितना काम निपटा देगा 18 काम निपटा देगा ना भैया, दो दिन में कितना काम निपटा देगा 18 और 60 में से 18 जाएगा कितना हो जाएगा बोलिए, 60 में से 18 घटा देंगे 42 ना, तो 42 हो गया।
अब 42 दोनों मिलकर बी प्लस सी मिलकर कार्य करेगा, तो बी प्लस सी टोटल वर्क मिलकर कार्य करेगा, तो बी प्लस सी का इफिशियंसी से भाग दीजिए, तो भैया 4 × 3 = 7, तो 7 × 6 = 42, यानी कि 6 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका अगर टाइम निकलना है उसके इफिशियंसी से भाग देंगे तो उसका टाइम निकल जाएगा। आइए 27 क्वेश्चन देखिए। कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला इसे कितना दिन में पूरा करेगा। भैया ए 12 दिन, ए कितना दिन में, 12 दिन में, बी कितना दिन में, 10 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, तीनों मिलकर यहां पर कह रहा है कि 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो भैया इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे वही आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा, तो 60 हो जाएगा, तो 12 × 5 = 10, 12 × 5 = 60, टोटल वर्क कितना था भैया 60। हमको सी चाहिए, सी का टाइम चाहिए, तो सी के एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा ना, तो 12 में से ए बी सी दिया है आपका टोटल एफिशिएंसी 12 और ए प्लस बी का 11, तो हमारा सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 1। अब टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग देंगे सी के एफिशिएंसी, तो आपका सी का टाइम निकलेगा और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, तीनों एक साथ मिलकर 6 दिन में पूरा करें, तो ए तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में पूरा कर लेंगे। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को भैया 8 दिन, और बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को, बी प्लस सी मिलकर कार्य को 12 दिन में, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अगर ए तथा सी मिल जाए तो उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 24, टोटल वर्क हो गया 8 × 24 = 12 × 24 = 6 × 24, ऐसा करा जाए, एलसीएम तो हमारा है कितना 24, तो हमने यहां पर 24 लिख दिया। हमको चाहिए क्या, ए चाहिए, तो बी प्लस सी घटाना पड़ेगा, तो 4, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है, बी प्लस सी हमारा कितना है 2, तो ए हमारा हो जाएगा कितना, 4 में से 2 जाएगा 2, ए का एफिशिएंसी 2 निकल गया, तो हमारा ए निकल गया आपका 12, ठीक है। सी निकालिए, सी निकालेंगे भैया, ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना है 4, और ए प्लस बी कितना है 3, तो 4 में से 3 जाएगा 1, यानी सी हमारा निकल गया क्या 24, एफिशिएंसी हमारा 1 था, तो 1 से हम भाग दे दिए। अब हमारा ए का 12 निकल गया, सी का 24 निकल गया, दोनों के लिए आप जानते हैं d1 × d2 / d1 + d2, 12 × 6 = 30 × 3 = 24, और फाइनली आंसर हो जाएगा 8 दिन। क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में, बी तथा सी 7 दिन में, और ए तथा सी मिलकर 4 दिन में समाप्त करता है, इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा, कम समय में, तो जिसका क्षमता ज्यादा होगा वही ना कम समय लेगा। देखिए कैसे, ए प्लस बी मिलकर 5 दिन, तो हमने लिखा ए प्लस बी 5 दिन, और बी प्लस मिलकर बी प्लस सी 7 दिन, और C प्लस ए यहां पर आपका है भैया 4 दिन। ऐसा करा जाए, एलसीएम लिया जाए, तो एलसीएम लेंगे ना यहां पर, तो 140 हो जाएगा, टोटल वर्क 140 हो गया, इफिशियंसी निकाल देंगे यहां पर, ये हो जाएगा 7 × 28, इसको लेंगे तो 5 × 20, इसको लेंगे तो 7 × 5 = 35। अब ऐसा करा जाए ना, ए का अकेले निकाला जाए बी का और सी का, तो देखिए ए प्लस बी मिलकर यहां पर 28 दिन, यहां पर C प्लस A मिलकर कितना दिन, 35, यानी दोनों 35 दिन क्या था, हम पहले A को लेते हैं, तो यहां पर A है, यहां पर A है, B के साथ A 28 दिन, C के साथ A 35 दिन, तो टोटल 63 दिन काम किया, 63 दिन में 20 घटा दीजिए तो 43 दिन निकल जाएगा A का अकेले। अब यहां पर देखिए, अब B को लेते हैं, तो B यहां पर हमारा है C के साथ 20 दिन, अभी यहां पर 28 दिन, तो 20, 28, 48 और भैया 35 घटा दीजिए तो B का अकेले 13 दिन। अब चलिए, हमको चाहिए सी, तो सी ए के साथ सी यहां पर है, बी के साथ सी यहां पर है, तो 55 हो जाएगा, 55 में सी 28 को घटा दीजिए तो 27 हो जाएगा, तो जोना का क्षमता ज्यादा वो कम समय लेगा, तो एक कम समय लेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में ए कितने दिन लेगा। भैया ए और बी मिलकर 12 दिन, ये क्वेश्चन है आपका 30, ए प्लस बी मिलकर 12 दिन और बी प्लस सी मिलकर आपका कितना दिया है, बी प्लस सी मिलकर 15 दिन, और क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था,
कि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, यानी ए जितना काम करता है उतना दो सी मिलकर कार्य करता है। चलिए यहां तक तो ठीक ठाक, ऐसा करा जाए ए के जगह पर हम यहां पर काट के टू सी लिख सकते हैं, तब हमारा बी निकल जाएगा। अब जरा गौर करिए, तो 12 15 का एलसीएम लेंगे भैया 60 हो जाएगा, 12 पांच 60, एफिशिएंसी 5 हो जाएगा, 15 चौका 60। अब देखिएगा दो सी या प्लस बी है, अब बी प्लस सी, तो बी प्लस सी घटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, सॉरी ए गो सी यहां पर बच जाएगा, दो सी है ना, तो दो सी प्लस बी में से बी प्लस सी घटाएंगे तो ए गो सी एक्स्ट्रा था तो सी बचेगा, तो हमारा टोटल यहां पर 60 था वर्क, और पांच में से ये चार घटा दीजिए तो हमारा एक आ जाएगा, तो सी का हमारा निकल गया 60। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बी प्लस सी हमारा दिया था 15 दिन और हमने सी निकाल लिया कितना दिन, 60 दिन, और हमारा बी पूछा था, तो निकाल दीजिए 15 और 60 का एलसीएम 60, यहां पर 15 चौका 60 एफिशिएंसी हो जाएगा और 20 दिया 60, सॉरी 60 एकम 60, 60 एकम 60। तो भैया आपको करना क्या है, टोटल वर्क 60 है, बी चाहिए तो चार टोटल था बी प्लस सी, यानी सी का एफिशिएंसी यहां पर एक है, तो जाहिर सी बात है तीन की बी का कितना हो जाएगा तीन, क्योंकि बी प्लस सी कितना है चार, सी का एफिशिएंसी कितना है एक, तो जाहिर सी बात है टोटल चार था तो इसका एक है तो ये तीन हो जाएगा, बी पूछा था तो बी के एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 20। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।